Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार छात्रों आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ आज का अपना ये सत्र लेकर जिसमें कि हम लोग जो पिछले हमने सत्रों में चर्चा की जहाँ पर हमने अधिगम यानी लर्निंग के जो मूलभूत सिद्धांत हैं और क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की और उसके बाद हमने उसमें आगे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात की तो इस प्रकार से हमने अभी तक अधिगम से संबंधित जितने भी मूलभूत सिद्धांत हैं उनको हमने अभी तक समझने का प्रयास किया है और आज अपने इस सत्र में हम उसी चर्चा को जारी रखेंगे और आज प्रयास करेंगे कि हम लोग आज जो अधिगम का जो एक मूलभूत जितने भी उसके ज़रूरी पहलू हैं उनको समझने का और इसको हम आज एक प्रयास करेंगे ताकि आज इस सत्र में हम अपने लर्निंग का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है जो अधिगम के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम आज कोशिश करेंगे कि इस सत्र में उनको हम पूर्ण कर सकें तो आज हम शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने पिछले सत्र में अपनी बात को ख़त्म किया था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से संबंधित कुछ मूलभूत सिद्धांतों की हम लोग आज चर्चा करेंगे पहले मैं आपको एक हल्का सा याद दिला दूं कि किस प्रकार से हमने जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात की थी आ, उसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो री होते हैं यानी कि जो हमारे आउटकम्स हैं किसी भी कार्य व्यवहार को पूर्ण करने के बाद उसका जो नतीजा आता है जो उसका रिज़ल्ट आता है जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो किस प्रकार से हमारे बिहेवियर को वो शेप करते हैं और किस प्रकार से वो हमें यूँ कह लीजिए कि हमारी लर्निंग को यानी हमारी अधिगम उससे होता है क्योंकि जैसा हमारा रिजल्ट होगा उसी के आधार पर हमारा वो व्यवहार जो पूर्व में हमने किया जिसके नतीजे में हमें वो रिज़ल्ट मिला है तो उस वजह से यदि वो हमारा जो आउटकम है वो पॉजिटिव होगा तो हमारा जो व्यवहार जिसकी वजह से वो आउटकम आया है वो मजबूत होगा यानी भविष्य में उसको दोहराए जाने की संभावना अधिक होगी और उसी प्रकार से यदि एक नेगेटिव हमें आउटकम मिला है यानी कि नकारात्मक हमें नतीजा मिला है तो हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का जो भी व्यवहार है जिसकी वजह से ये नतीजा नकारात्मक आ रहा है उसको हम अपने व्यवहार से हटाने की या उसको उसको दोहराने की न दोहराने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो ये अधिगम जो इस प्रकार का जो अधिगम है जिसको कि हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं यानी क्रिया प्रसूत प्रबंधन जिसमें कि आउटकम महत्वपूर्ण तो होता है और उसी के आधार पर हमारी कंडीशनिंग होती है हमारा जो सीखना है वो उसी के आधार पर होता है इसमें हम आज एक बात करेंगे शेपिंग की एक प्रक्रिया है और शेपिंग की इस प्रक्रिया में हम ये देख सकते हैं कि जब इस प्रकार का कोई व्यवहार हो जिसको हमें खास करके अगर इस उदाहरण को अगर हमें समझना हो एक उदाहरण के साथ तो हम कह सकते हैं कि आप छोटे बच्चों को ले लीजिए और छोटे बच्चों को जब हम कुछ नई चीज़ सिखाते हैं जैसे अगर मान लीजिए हम बच्चे को स्केटिंग करना सिखा रहे हैं तो स्केटिंग करने के लिए बहुत सारे उसको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसको आनी चाहिए क्योंकि स्केटिंग एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा प्रयास है या एक इस प्रकार का एक एक कार्य है जो काफ़ी कठिन होता है और बच्चों को उसको सीखना उसके उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है शुरुआत में तो इसको किस प्रकार से हम शेपिंग के द्वारा शेपिंग की प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार इसको पूर्ण करते हैं उसको हम जब समझेंगे तो हमें शेपिंग का जो जो प्रभाव है और किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसमें उपयोगी साबित होती है वो हमें इसके माध्यम से समझ आएगा तो हम ये देखते हैं कि जब बच्चे को हम कहते हैं कि आप स्केटिंग के अपने शूज़ पहनिए स्केटिंग के शूज़ अलग होते हैं जिसमें पहिए लगे होते हैं तो जब वो इस प्रकार के स्केटिंग शूज़ पहनते हैं तो उसके बाद उनके लिए सीधे खड़ा होना यानी कि ऐसा इस प्रकार से खड़ा होना जिसमें कि उनका बैलेंस बना रहे वो गिरे ना ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है हालांकि स्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें उनको पूरी स्केटिंग यानी कि स्केट्स पहन के पूरा राउंड लगाना या फिर यूं कह लें कि स्केटिंग के शूज़ पहनने के बाद या स्केट्स पहनने के बाद वो किस प्रकार से अच्छे से स्केटिंग कर पाते हैं वो उनका लक्ष्य है यानी कि वो चाहते हैं कि वो इस कार्य को पूर्ण कर सकें हम ये चाहते हैं अपने बच्चे से जब हम उसको ये सिखाना चाहते हैं कि वो स्केटिंग करे तो वो किस प्रकार से स्केट शू पहन के पूरी स्केटिंग कर सके बिना गिरे और अच्छे से स्केटिंग कर सके तो इस प्रकार के व्यवहार के लिए हम शेपिंग किस प्रकार से करते हैं शुरुआत में हम बच्चे को ये कह सकते हैं या ये कहते हैं कि आप यदि सिर्फ स्केट्स पहनकर अगर सीधे खड़े हो पाए तो भी हम आपकी प्रशंसा करेंगे या फिर आ, हम आपको कुछ इनाम देंगे यानी कि यहाँ शुरुआत में हम बच्चे से ये उम्मीद नहीं करते कि बच्चा स्केट्स पहनते ही उस पर चलने लगे या उसकी स्केटिंग करना शुरू कर दे परंतु वो केवल इतना ही कर सके शुरू में यदि कि वो स्केट्स पहनने के बाद अपना बैलेंस बनाकर रख सके तो ये भी उसके लिए जो उसका फाइनल टारगेट है यानी कि जहां वो पहुंचना चाहता है वो बच्चा उस दिशा में हम उसको शेप कर रहे हैं स्केटिंग में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चा शुरुआत में ही वो छोटे छोटे पड़ावों को पार करे न कि वो एकदम एक साथ ही वो सीधा जो अपना उसका लक्ष्य है स्केटिंग कर पाना तो वो संभव नहीं होता इस प्रकार से हम बच्चे को उसके छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स के लिए उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए जो बाद में जा करके उसके स्केटिंग यानी स्केट्स करने के जो उसकी पूरी प्रक्रिया है उसी को वो एक तरह से आगे चल करके उसमें मदद करेंगे जैसे सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि स्केट्स पहनकर सीधा खड़ा हो पाना बिना गिरे एक बच्चे के लिए एक शुरुआती पड़ाव होगा उसके बाद दूसरे नंबर पर हम ये मान सकते हैं कि स्केट्स पहनकर एक दो चार कदम चल पाना ही उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इस प्रकार से शुरुआत में स्केट्स पहनने के बाद एक सीधी लाइन में एक छोटा सा दिशा में उसको दस कदम या दस मीटर या पंद्रह मीटर तक वो बढ़ सके बिना सपोर्ट के उसके बाद इसके आगे चलते हुए वो बच्चा एक लंबी दूरी तय कर सके स्केट्स पर और बिना किसी सहारे के बिना गिरे हुए और फाइनली जब वो स्केटिंग में पूरी तरह से निपुण हो जाए तो वो स्केट्स का अगर हम कह दें कि एक राउंड में वो पूरे स्केट्स लगाए जिसमें कि वो किस तरह के कर्व्स पे भी स्केटिंग करता हुआ वहाँ पर वो उसको सफलतापूर्वक कर पाए तो ऐसे में हम उसके ये छोटे छोटे जो जो कह सकते हैं पड़ाव हैं या जो छोटे छोटे ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो फाइनली उसके स्केटिंग करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वो कहीं ना कहीं योगदान दे पाएंगे तो इस प्रकार से हम जो उसके छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स हैं उसको हम रिवॉर्ड करके उसको हम रिकॉग्नाइज करके उसको हम एसोशिएट कर सकते हैं रेनफोर्सर्स से और इस तरह से वो बच्चा फाइनली जो वो सीखना चाहता है या जो हम उसको सिखाना चाहते हैं स्केटिंग उसकी दिशा में हम उसको बढ़ा सकते हैं तो इस प्रकार से हम जो बिहेवियर की शेपिंग करते हैं रिस्पॉन्स की शेपिंग करते हैं जिसमें कि हम जो फाइनल हमारा टारगेट है जो मेन हमारा लक्ष्य है प्राप्त करने का जिस व्यवहार को या जिस स्किल को उसको हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांट के और जैसे जैसे वो पार्ट्स को अचीव करता है यदि वो बच्चा है या वो कोई भी व्यक्ति हो ये तो एक उदाहरण था जहां हम इसको छोटे बच्चों के लिए इस उदाहरण को हमने समझने का प्रयास किया लेकिन इसके अलावा और तमाम जगहों पे और तमाम परिस्थितियों में इसको हम इस्तेमाल करके एक ऐसे व्यवहार की तरफ एक ऐसे बिहेवियर की तरफ इसको हम आ, की तरफ जो कि हमें डिज़ायर्ड बिहेवियर है जो हम चाहते हैं किसी से कि वो व्यवहार वो प्रदर्शित करे या उसमें वो निपुणता हासिल करे तो इस प्रकार से हम उसकी संपूर्ण जो रिस्पॉन्स है उसको हम शेप कर सकते हैं ताकि वो उस फाइनल टारगेट को अचीव करें तो इसके अलावा एक और इसी में कॉन्सेप्ट है वो है चैनिंग का यानी चैनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप जानते हैं एक चैन इस प्रकार से होती है कि वो एक जुड़ी होती है और एक के बाद दूसरी जो कड़ी उसमें जुड़ जाती है और वो इस प्रकार से एक चैन का रूप ले लेती है तो चैनिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसको इस प्रकार से समझें कि जैसे शुरुआत में और इसका उदाहरण हम समझने के लिए सर्कस में जिस प्रकार से एनिमल्स को ट्रीट ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से वो आप देखते हैं कि ऐसे अलग अलग कारनामे और कर्तव्य कर पाते हैं जो कि संभवतः हम देख हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे संभव है तो वो इसी प्रक्रिया के द्वारा यानी चैनिंग की जो प्रक्रिया है इसी से उसको पूर्ण किया जाता है और चूंकि ये इतने जटिल हम कह सकते हैं कि ये कार्य हैं और व्यवहार हैं कि इनको शुरुआत में ही प्रदर्शित कर पाना किसी के लिए भी और ख़ास करके जब हम एनिमल ट्रेनिंग की बात करते हैं अगर तो उसमें ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस प्रकार से हम किसी को शुरुआत में ही उससे ये उम्मीद करें कि वो इतना जटिल प्रक्रिया या इतना जटिल कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स स्किल वो दिखा सके या उसको पूर्ण कर सके तो इसलिए हम उसको उसके जो पूरा कंप्लीट जो उसका टारगेट है उसको हम यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं यानी कि उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर हम ये उसको शुरुआत में जो चैन की आखिरी कड़ी है यानी कि जो उसको हम सिखाना चाहते हैं अंत में जो हम चाहते हैं कि वो इसको पूर्ण कर सके जैसे अगर इसको उदाहरण के लिए लें तो सपोज़ एक एक शेर है जो सर्कस में जिसको ट्रेन किया जा रहा है हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो एक रिंग है रिंग में से वो एंटर कर जाए यानी कि उसमें से छलांग लगा के जब वो बाहर निकल जाता है तो हम उसको मानते हैं कि ये उसने अचीव कर लिया वो फाइनल टारगेट तो वहाँ पर हम उसकी जो फाइनल जो उसका जो टारगेट है यानी जो फाइनल बिहेवियर है उसको वो हमारे उस पूरे रिस्पॉन्स का आखिरी कड़ी है यानी उस चैन की वो आखिरी कड़ी है वहाँ तक हम उसे ले जाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम उसको ये आ, उसको सिखाने का प्रयास करते हैं कि जो चैन की आखिरी कड़ी है जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा यानी कि आपको किसी प्रकार का कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा तो इस तरह से उसको आखिरी कड़ी हम पहले सिखा देते हैं और उसके बाद हम उसको उसके पीछे की जो कड़ियाँ हैं जहाँ से उसको शुरू करना है वहाँ से ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को सुन सुने उसके आधार पर वो पोजीशन ले और फिर वो उस प्रकार से चलता हुआ उसके अंदर से वो निकल जाए तो इस प्रकार से फिर हम उसके जो पीछे के इवेंट्स हैं यानी जो छोटी छोटी उसकी कड़ियाँ थी फिर हम उनसे उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से चेनिंग की ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम रिवॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए यानी रिनफोर्सर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी एक पर्टिकुलर व्यवहार को हम उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं इसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो एक अगला कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग आज समझेंगे वो है इम्पल्सिवनेस यानी कि किस प्रकार से पुरस्कार को चुनने में यानी कि यानी हम अगर इसको पुरस्कार को कहें कि कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस जो हमें डिज़ायरेबल है हमें इसको उस तरह से समझना है यानी कोई एक ऐसा नतीजा जो हमारे लिए लाभकारी है जो हम जिसे पसंद करते हैं तो वो पुरस्कार को चुनने में किस प्रकार से हमारी इम्पल्सिवनेस जो हमारे अंदर की एक मूलभूत एक हमारी प्रवृत्ति है जिससे कि हम चीज़ों को चुन लेते हैं बिना ज़्यादा उसके बारे में सोचे या उसके न, 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 फायदे नुकसान हमें आगे क्या हो सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा न सोचते हुए केवल जो हमें तात्कालिक रूप से अच्छा लगा या पसंद आया किस प्रकार से वो हमारे बिहेवियर को हमारे डिसीजन को प्रभावित करता है तो हम इसमें भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन में किस प्रकार से इम्पलसिवनेस का रोल होता है किस प्रकार से वो उसे प्रभावित करती है हम इसे समझने का यहाँ प्रयास करेंगे तो इम्पलसिवनेस को अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए एक उदाहरण जो सटीक उदाहरण होगा क्योंकि इम्पल्सिवनेस ज़्यादा देखा जाता है छोटे बच्चों में या फिर जानवरों में एनिमल्स में बिकॉज वो अपने इंस्टिंक्ट पे यानी अपने इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते और ठीक उसी प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते और वो बहुत सारी और चीज़ों के बारे में उन्हें अनुभव नहीं होता तो इस प्रकार से अगर इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें तो बच्चों को यदि कोई चीज़ उनको हम ऑफर करते हैं कि आप ये टॉफ़ी लेंगे या फिर आप ये सौ रुपये का नोट लेंगे या अगर हम इसको टॉफी ना कह के अगर हम यहाँ चॉकलेट भी कह सकते हैं कि क्या आप ये चॉकलेट लेना पसंद करेंगे या फिर ये सौ रुपये की नोट आप लेना पसंद करेंगे तो एक छोटा बच्चा दो साल का बच्चा बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है कि वो एक चॉकलेट लेना पसंद करेगा क्योंकि उसको ये लगता है कि जो चॉकलेट है वो ज़्यादा बेहतर है और जो सौ रुपये का नोट है वो उसके लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है यानी कि वो अपने इम्पल्स पे गया उस बच्चे ने ये वहाँ पर रिवॉर्ड में ये ध्यान नहीं दिया कि जो मनी है जो सौ रुपये की नोट है वो ज़्यादा हम कह सकते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है और उससे वो ऐसी कई चॉकलेट्स खरीद सकता था लेकिन बच्चा इस प्रकार नहीं सोच पाता तो ये एक उदाहरण हुआ कि किस प्रकार से जो हमारी इम्पल्सिवनेस है वो हमारी जो लर्निंग की प्रक्रिया है और किस प्रकार से हमारे ऑपरेशनल जो कंडीशनिंग है उसको प्रभावित करती है इसको एक और उदाहरण के लिए यदि हम समझने का प्रयास करें जिसमें कि हम ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों में ये ज़्यादा देखा जाता है इम्पलसिवनेस इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बड़े लोगों में यानी एडल्ट्स में ये इम्पलसिवनेस नहीं पाया जाता या वहाँ पर ये नहीं देखा जाता और इसके उदाहरण के लिए अगर इसको हम समझना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी इसके ऊपर कई शोध हुए जिसमें एक शोध में ये पाया गया कि हम एडल्ट्स को अगर हम उनकी स्मोकिंग बिहेवियर की बात करें जहाँ पर वो धूम्रपान करते हैं जबकि हमें ये पता है कि धूम्रपान से नुकसान होता है और इस प्रकार के जो कार्य हैं उससे हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ता है इसके बावजूद चूँकि धूम्रपान से एक तात्कालिक एक Uh, कह सकते हैं कि उसका एक इन्जॉयमेंट उनको मिलता है किसी प्रकार का या एक जो भी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन उन्हें मिलता है वो उसकी तरफ जाते हैं जबकि अगर उसको हम लॉन्गर रन में देखें तो वो एक उसमें एक नेगेटिव री है यानी कि वहाँ पर हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा तो उस व्यवहार को हमें नहीं करना है लेकिन इसके बावजूद जो एडल्ट पॉपुलेशन है बहुत सारे लोग उस व्यवहार को करते हैं तो इससे हमें ये समझ आता है कि इम्पल्सिवनेस ज़रूर बच्चों में ज़्यादा होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से एडल्ट्स इससे फ्री हैं या उनके अंदर इंपल्सिवनेस नहीं पाई जाती बल्कि उनके अंदर भी ये हो सकती है मौजूद और इससे भी उनकी जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है तो इस प्रकार से इसको हम देखते हैं कि इम्पलसिवनेस का जो आ, जो प्रभाव है वो लर्निंग पे किस प्रकार से पड़ता है इसके बाद हम बात करते हैं प्रोकास्टिनेशन एक और फिनोमिनन है एक और एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हम ये देखते हैं कई शोध में ये देखा गया कि जब हमारे सामने कोई ऐसा रिवॉर्ड होता है जो तात्कालिक हमें मिलने वाला है और एक कोई ऐसा रिवॉर्ड है जो कि काफ़ी समय के बाद हमें मिलेगा तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम जो बहुत बाद में मिलने वाला है प्रयास जो हमारा इस प्रकार का कोई भी अगर हमने आ, हमारे लिए कोई कार्य है जिसको यदि हम अभी कर लें तो उसके बाद कम मेहनत से ही हमें वो रिवॉर्ड यानी आगे चल करके वो चीज़ हमें आसानी से हासिल हो जाएगी हम वो चीज़ प्रिफर नहीं करते बल्कि हम तब तक उस कार्य को टालते रहते हैं जब तक कि वो हमारे एकदम आ, हमारे लिए एकदम ज़रूरी ना हो जाए या उसको हमें तात्कालिक ना करना पड़े तो इस प्रकार से हम कठिन कार्यों को भी जो कि हमारे लिए यदि हमने पहले कर लिए होते तो वो हमारे लिए आसान हो जाते तो इस प्रकार से प्रोकास्टिनेशन यानी कि हम टालमटोल करते रहते हैं कि कब हम उस कार्य को पूर्ण करें तो इसके लिए एक, 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 एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा आपसे ताकि आप इस एक, प्रक्रिया को समझ पाएँ अच्छे से तो एक ऐसी स्टडी की गई जिसमें कुछ कबूतर यानी पिजन्स को लिया गया और उनके सामने ये लक्ष्य रखा गया कि यदि वो अभी किसी एक पर्टिकुलर उनको एक स्थान दिया गया जहाँ पर एक एक लाइट जल रही थी और उस लाइट वाले स्थान पर उनको चोंच मारना था यानी दे वर सपोज टू पैक एट दैट पॉइंट यानी उस स्थान पे उनको चोंच मारनी थी और केवल दस चोंच यदि वो मारेंगे तो उनको आगे चल करके जब भोजन है वो उनके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो ऐसे में वो ये व्यवहार न करके जब बाद में उन्होंने ये व्यवहार किया क्योंकि बाद में उसमें जो महत्वपूर्ण बात थी कि जब बाद में उनको करने पे उस जगह पे उनको तीस बार चोंच मारनी पड़ेगी यानी कि पहली बार में उनको सिर्फ दस बार करना था लेकिन बाद में उनको तीस बार पैकिंग करने के बाद भोजन उपलब्ध कराया जाता था तो ऐसे में ये देखा गया कि जब कबूतरों ने यह सीखा कि वो जब पैकिंग करते हैं यानी जब वो चोंच मारते हैं वहाँ पर तो उनको भोजन उपलब्ध कराया जाता है लेकिन अगर वो शुरुआत में ही पैकिंग कर दें यानी कि जब वो लाइट वहाँ जल रही है और उसी समय वो अगर उस पैकिंग को वो कर दें दस बार तो बाद में उनको भोजन आसानी से मिल जाएगा यानी कम प्रयास में बाद में उनको परिणाम मिल गया लेकिन वो इसके बावजूद कबूतरों में भी प्रोकेस्टिनेशन देखा गया यानी कि वो तब तक उस व्यवहार को टालते थे जब तक कि उनके लिए भोजन अनिवार्य न हो जाए या उन्हें बहुत भूख लग गई हो इस वजह से वो अंतिम में जाके लाइट जलने पर जब उनको तीस बार वहां पर पैकिंग करनी पड़ी तब उनको भोजन उपलब्ध होता था तो इस कह सकते हैं हम यहाँ पर कि शुरुआत में यदि वो केवल कम एफर्ट से उनको वो परिणाम मिल रहा था और बाद में ज़्यादा एफर्ट करने के बाद वो परिणाम उन्हें मिल रहा है फिर भी ये पाया गया कि वो बाद में ज़्यादा एफर्ट करना पसंद कर रहे हैं या उस व्यवहार को वो चुन रहे हैं न कि जो आसान था और शुरू में जिसको करने के नाते उन्हें कम मेहनत से ही ज़्यादा परिणाम मिल रहे थे तो इस प्रकार से ये देखा गया कि प्रोकस्टिनेशन का जो व्यवहार है वो केवल मनुष्यों में ही नहीं जानवरों में भी इनफैक्ट वो पाया जाता है और इसका एक और उदाहरण आपको समझाने के लिए मनुष्यों में जैसे इस प्रकार से हमारे सामने बहुत सारे ऐसे जब हम रिवॉर्ड को चुनते हैं जब तो उसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे लिए अभी दूरदर्शी हैं यानी कि जो जो रिवॉर्ड हमारे लिए अभी हमारे सामने उपलब्ध नहीं है उनको हम चुनने में हेजिटेट करते हैं यानी उनको हम अभी तुरंत उनको नहीं उनके लिए प्रयास नहीं करते या उनको नहीं चुनते बल्कि हम उस रिवॉर्ड की तरफ जाते हैं जो हमारे लिए आ, उस समय उपलब्ध हों तो ये इस तरह के जो इम्पलसिवनेस और प्रोकेस्टिनेशन का जो ये जो ये प्रक्रिया है ये किस प्रकार से हमारी लर्निंग की जो ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि जो रिनफोर्समेंट की जो उपलब्ध कराए जाने की जो हम कह सकते हैं उसकी जो शेड्यूल है वो किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है हमारी लर्निंग को तो यहाँ पर ये पांच प्रकार के आप कंडीशंस यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें पहली जो कंडीशन है वो है कंटिन्यूस रिनफोर्समेंट शेड्यूल यानी निरंतर प्रबलन अनुसूची और दूसरी जो हमारी स्थिति है यानी जो एक कंडीशन है वो है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल यानी कि निश्चित अंतराल पर दिया जाने वाला रेन्फोर्समेंट तीसरी जो कंडीशन है वो है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल यानी परिवर्तनशील अंतराल और चौथा हमारा कंडीशन है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल यानी कि निश्चित अनुपात में दिया जाने वाला रिनफोर्समेंट और उसके बाद पांचवा जो कंडीशन है वो है परिवर्तनशील अनुपात यानी कि वेरिएबल रेशियो शेड्यूल अब इसको हम लोग कुछ उदाहरणों से इन सभी प्रकार की जो री इन्फोर्समेंट शेड्यूल्स हैं किस प्रकार से उनको अलग अलग समय पे यदि उनको दिया जाए और किस तरह से वो वेरिएशन उनमें हो तो वो कैसे प्रभावित करते हैं लर्निंग की प्रक्रिया को तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कुछ उदाहरणों से इसमें जो पहला कंटिन्यूस री की जब बात की जा रही है तो उसको हम इस प्रकार से समझें कि जब भी व्यक्ति कोई डिज़ायर्ड बिहेवियर या डिजायर्ड रिस्पॉन्स देता है तो उसके बाद उसको री दिया जा रहा है यानी जब जब भी वो इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है जो कि उससे अपेक्षा की जा रही है या जो डिज़ायर्ड है तो उसको हर बार हर बार वो जब वो उस व्यवहार को प्रदर्शित करता है या जब वो उस प्रकार का रिस्पॉन्स देता है तो उसको हर बार रिनफोर्समेंट दिया जा रहा है यानी निरंतरता है उसमें वो कंटिन्यूसली उसको वो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है इसके बाद जो दूसरी जो हमारी कंडीशन है जो कि फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है यहाँ पर उसको हर एक्ट के बाद यानी हर रिस्पॉन्स के बाद उसको वो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता बल्कि एक निश्चित उसको अंतराल के बाद यानी समय एक निश्चित गुजर जाने के बाद ही उसको दोबारा वो री दिया जाएगा यानी कि इसको हम इस प्रकार से अगर समझें तो अगर एक स्टडी जो अगर एक कंडीशन अगर इसको हम समझने के लिए रखें तो एक ऐसी कंडीशन जहां पर चूहों को एक लीवर प्रेस करने पर उनको भोजन मिल रहा है अगर कंटिन्यूस री की जब हम बात करते हैं तो जब भी वो लीवर प्रेस करेंगे उनके सामने भोजन उपस्थित होगा यानी कि भोजन जब उन्होंने लीवर दबाया उपस्थित हो गया तो ये कंटिन्यूस री एन्फोर्समेंट शेड्यूल की बात हो गई इसके बाद जब फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल की बात की गई तो उसमें उन्होंने लीवर को दबाया उसके बाद उन्हें भोजन उपलब्ध हुआ लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके तुरंत बाद यदि उन्होंने लीवर दबाया तो उसके तुरंत बाद उनको भोजन उपलब्ध हो जाएगा नहीं उसके बाद एक निश्चित समय गुजर जाने गुजर जाने के बाद यानी एक निश्चित समय बीत जाने के बाद वो एक्सपेरिमेंट्स में उसको इस प्रकार से रखा गया कि दस मिनट या पंद्रह मिनट या दो मिनट तो यानी कि उनको अब एक समय बीतने के बाद ही जब वो दोबारा लीवर प्रेस करेंगे तब उनको भोजन उपलब्ध होगा यानी कि अगर पहली बार भोजन उपलब्ध हुआ और यदि अभी तक वो जो समय निर्धारित किया गया है वो समय नहीं बीता है तो उस बीच में यदि वो लीवर प्रेस भी कर रहे हैं तो उनको भोजन उपलब्ध नहीं होगा यानी कि केवल वो एक निश्चित अंतराल के बीतने के बाद जब वो उस लीवर को दबाएंगे तभी भोजन उनके सामने उपस्थित होगा इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल जिसमें कि उनको कितना समय बीतने के बाद दोबारा लीवर जब वो प्रेस करते हैं तो उनको भोजन उनके सामने उपलब्ध कराया जाता है इस पर कोई निश्चित समय अवधि बीतने का कोई प्रावधान नहीं है यानी कि हो सकता है कि उनको कुछ ही देर बाद या हो सकता है एक बहुत लंबे समय बाद यानी कि वो निश्चित नहीं है कि कितना समय बीतने के बाद ही लीवर प्रेस करने पर उनको भोजन उपलब्ध होगा तो इस तरह की जो स्टडीज़ की गई उसमें ये पाया गया कि जब उनको फिक्स इंटरवल के नाते जब लीवर प्रेस करने के बाद उनको भोजन उपलब्ध हो रहा था तो उन्होंने ये बड़ी जल्दी सीख लिया कि किस प्रकार से जब हम कोई अभी भोजन मिल गया है तो उसके कुछ देर तक वो दोबारा लीवर नहीं दबाते थे यानी उनको ये समझ आ गया कि अब अगर हम लीवर दबाएंगे भी तो हमें किसी प्रकार का कोई भी इससे लाभ यानी भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो वो कुछ देर तक उसको प्रेस नहीं करते थे यानी कि वो उस व्यवहार में अब एंगेज नहीं हो रहे हैं लेकिन जब वेरिएबल इंटरवल की बात की गई या उस कंडीशन को देखा गया तो उसमें यह पाया गया कि जो रेट्स हैं उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग समय पर उस लीवर को प्रेस वो करते रहे क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं पता था कि कब हमें भोजन उपलब्ध हो जाएगा क्योंकि वो ये नहीं अपने अपने अपनी एक लर्निंग बना पा रहे थे कि कब लीवर प्रेस करने से हमें भोजन मिल रहा है तो इस प्रकार से उनका जो लीवर प्रेस करने का जो उनका जो बिहेवियर है या रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा वो कर रहे थे जब फिक्स्ड हम इंटरवल की बात करते हैं उस कंपैरिजन में इसके बाद वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल के बाद फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निश्चित अनुपात में जो यहाँ पर हम जो रिस्पॉन्स है उसके टाइम की बात नहीं करते यानी कि जो लीवर प्रेस करने में जो देरी कर रहा है उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि उसने कितनी बार लीवर दबाया यानी कि इसके जो पूर्व जो जहाँ पर हम इंटरवल की बात कर रहे थे वहाँ पर समय की बात थी कि लीवर प्रेस करने के बाद उसको भोजन आएगा इस चीज़ में एक समय बीत जाने के बाद ही उसको दोबारा भोजन मिलेगा यानी कि एक बार लीवर प्रेस किया और भोजन आया लेकिन उसके बाद जब उसने दोबारा प्रेस किया तो भोजन नहीं आया फिक्स इंटरवल में हमने अगर उसको दो मिनट की अवधि रखी है तो दो मिनट के बाद ही उसको वो भोजन मिलेगा लेकिन जब हम रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर रेशियो का अर्थ ये है कि कितनी बार उसने लीवर कितनी बार उसने लीवर को प्रेस किया यानी कि लीवर प्रेस करने की जो उसकी संख्या है या इंटेंसिटी है उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं तो जब फिक्स्ड रेशियो की बात की गई तो उसमें यह देखा गया कि जब उसने लगातार दस बार उसको प्रेस किया तब जाकर के उसको वो भोजन उपलब्ध हुआ यानी कि अब उसको यह पता है कि मुझे दस बार इस लीवर को प्रेस करना है तब मुझे भोजन मिलेगा और जो आखिरी कंडीशन है वेरिएबल रेशियो की यहां पर उसको भोजन तो मिलेगा परंतु कितनी बार लीवर प्रेस करने पे भोजन मिलेगा यह निर्धारित नहीं है यानी कि हो सकता है किसी प्रयास में उसे दो ही बार लीवर प्रेस करने पे भोजन मिल जाए हो सकता है किसी प्रयास में उसको 40 बार लीवर प्रेस करने पर भोजन उपलब्ध हो तो इसको समझने के लिए अगर चूंकि ये इस प्रकार की जो शेड्यूल्स हैं जब हम इसको एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में इसको समझाने का प्रयास करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो ये थोड़ा सा हमें कठिन प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे लिए हमारे अपने जीवन से जब ये चीज़ें जुड़ती हैं और वहां से जब हम उदाहरणों से इसको समझते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे पहला जो आ, फिक्स इंटरवल की जब हम बात करते हैं तो आप इसको उस उदाहरण से जोड़िए जब यदि कोई बच्चा है और वो परीक्षा से पहले वो पढ़ता है क्योंकि उसको ये पता है कि परीक्षा में उसको अच्छे अंक हासिल करने हैं तो वहां पर वो ज्यादा प्रयास करता है और वो ज़्यादा मेहनत करता है और उसके बाद उसको पता है कि अब कुछ समय तक अब परीक्षा नहीं होगी तो वहाँ पर वो थोड़ा सा शिथिल हो जाता है थोड़ा आराम करता है या उसका वो जो पढ़ने का जो रिस्पॉन् जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है लेकिन उसके ठीक बाद जब दोबारा वो परीक्षा देता है या परीक्षा आ जाती है तो वो फिर से उसी तरीके से मेहनत करता है या उसी प्रकार से वो उस व्यवहार को करता है यानी कि उस अवधि के बाद ही वो दोबारा मेहनत कर रहा है जब दोबारा परीक्षा आ रही है दूसरा जो वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल को यदि हम समझने का प्रयास करें तो वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में आ, हम ये देखते हैं कि जैसे जो सुपरवाइजर्स होते हैं जो कंपनी में जो कि अपने कर्मचारियों को चाहते हैं कि वो निरंतर अच्छा काम करें तो वो उनकी औचक चेकिंग करते हैं यानी कि उनको अचानक से ही वो उनके सामने आ, वो आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके काम की समीक्षा करेंगे या हम आपको देखेंगे कि आपने कितना काम अच्छा किया है तो इससे ये होता है कि एम्प्लॉयज़ यानी जो कर्मचारी हैं उनके अंदर ये एक फीलिंग रहती है कि हमारे काम की कभी भी जांच हो सकती है और इस कारण से वो अपने काम को लगातार अच्छे से करने का प्रयास करते हैं और वो ये प्रयास करते हैं कि हम किस तरीके से लगातार अपने व्यवहार में निरंतरता लाएँ क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि कितनी अवधि के बाद वो दोबारा चेकिंग कर सकते हैं तो इस प्रकार से वो इसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं इस वजह से वो अपने उस अच्छे काम को यानी जो उनका काम जो वो अच्छे से कर रहे हैं या उसको समय पे कंप्लीट कर रहे हैं वो बार बार उस व्यवहार को करते हैं इसको एक दूसरे उदाहरण के लिए और जो एक महत्वपूर्ण भी है जैसे हम ये देखते हैं कि बहुत सारे आ, ऐसे एथलीट्स होते हैं जो कि जिनको ड्रग्स लेने की मनाही होती है क्योंकि वो उससे उनके आ, शरीर पर भी बुरा बुरा प्रभाव पड़ता है साथ ही साथ वो आ, एथिकली गलत है क्योंकि इससे वो कॉम्पिटिशन की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है तो उनको ये नहीं पता होता एथलीट्स को कि कितनी अवधि के बाद उनका वो टेस्टिंग किया जाएगा हो सकता है उनकी अवधि जो टेस्टिंग की है वो दो साल तक उनकी कोई टेस्टिंग ना हो और हो सकता है उनकी दस दिन के भीतर ही दो बार टेस्टिंग हो जाए तो इस प्रकार से उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि कितनी अवधि के बाद उनकी ये टेस्टिंग होगी तो ये वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल का एक उदाहरण है हमारे लिए समझने का कि किस प्रकार से इससे हमारी लर्निंग होती है जो एथलीट्स की अगर हम बात कर रहे थे कि उनको इस तरह के व्यवहार में सम्मिलित नहीं होना है या इस तरह का काम उनको नहीं करना है कि वो ड्रग्स लें ताकि उससे उनको आगे चल के नुकसान हो और इसी तरह के जो बहुत सारे और भी कार्य हैं जहाँ पर जैसे जो फ्लाइट पायलट्स हैं या जो ऐसे इस प्रकार के जो भी लोग हैं जो सेंसिटिव कामों के साथ जुड़े हैं जहाँ पर उनकी जो अपनी कंडीशन है या जो उनकी अपनी आदतें हैं उससे बहुत सारे लोगों का उससे हम कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदियाँ वहाँ जुड़ी होती हैं तो जैसे फ्लाइट पायलट्स हैं तो वो इस प्रकार के उनके भी टेस्टिंग होती रहती है और वहाँ पर कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई ड्रग या कोई ऐसा अल्कोहल वगैरह तो नहीं लिया है तो इस तरह की उनकी भी जो टेस्टिंग है वो वेरिएबल इंटरवल पे की जाती है यानी कि ताकि उनके अंदर ये लर्निंग रहे कि, कि किसी भी समय हमारी टेस्टिंग हो सकती है और इस वजह से वो इस प्रकार से के व्यवहार से दूर रहते हैं और इसके बाद जो अब जब हम फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल की बात करते हैं तो इसको हम उदाहरण को समझने के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं आ, कि जैसे आ, कोई व्यक्ति है आ, या फिर अगर इसको हम एक खेल के उदाहरण में अगर देखें तो हमें ये पता है कि आ, जैसे एक खिलाड़ी जब सेंचुरी पूरी करता है तो वो सेंचुरी पूरी करता है जब तो वो थोड़ी देर के लिए के लिए रिलैक्स हो जाता है यानी कि अब उसको पता है कि मैंने जो इतना सारा प्रयास किया और इतने सारे रन बनाए तो अब मेरी सेंचुरी कंप्लीट हो गई है लेकिन अब उसके सामने अपना तात्कालिक अगला लक्ष्य वो अगर हम कह दें डबल सेंचुरी का है तो उसको ये पता है कि डबल सेंचुरी को आने में भी बहुत समय है तो वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता है पर वो धीरे धीरे अपनी एकाग्रता को फिर बनाता है और इसको हम इस इस तरह भी समझ सकते हैं कि, कि किस प्रकार से जब वो अपनी सेंचुरी के नज़दीक पहुँचने लगता है तो किस प्रकार से वो ज़्यादा मेहनत करता है और इसको हम दूसरे उदाहरणों से यदि समझने का प्रयास करें तो हम कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो पुराने वस्तुएं इकट्ठी करते हैं जैसे अखबार वगैरह जो घरों से इकट्ठे करते हैं जो काफ़ी समय हो जाने के बाद जब घरों में पुराने अखबार जमा हो जाते हैं तो वो उसको कलेक्ट करते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि अब हम अगर कुछ दिन पहले ही गए थे तो यहाँ पर हमें यहाँ से हमको बहुत सारा पुराना अखबार मिला था तो अगर हम तुरंत उसके बाद जाएंगे तो वहाँ हमको उसका लाभ नहीं होगा यानी कि कुछ समय के बाद यानी दोबारा प्रयास करने का उतना लाभ नहीं होगा जबकि यदि हम थोड़े दिन बाद उस प्रयास को करेंगे तो वो दोबारा हमारे लिए लाभकारी होगा तो इस तरह से वो फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में वो अपने लर्निंग को करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल रेशियो शेड्यूल की वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में जो उदाहरण है वो हम इसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हमारे लिए काम आ सकता है जो जिसको जिससे हम गैम्बलिंग बिहेवियर यानी कि जो लोग जुआ खेलते हैं या जो लोग इस प्रकार के व्यवहार में इन्वॉल्व होते हैं उनके बिहेवियर को समझने के लिए वेरिएबल रेशियो शेड्यूल हमें बहुत मदद कर सकता है और ये समझने में क्योंकि एक ऐसा कार्य हम कर रहे हैं जिसमें कब हमें जीत हासिल होगी या कब हमें जो हम चाहते हैं इनाम मिलना या कोई इस प्रकार का जब वो गैम्बलिंग करते हैं तो उनका जो भी उन्होंने वो पत्ता उसमें कह लीजिए कि कार्ड खेला है या जो भी नंबर वो चाहते हैं वो नंबर नहीं आना या आना उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वो वेरिएबल रेशियो यानी कि उसके उसकी कितनी प्रयास के बाद वो उनको वो रिज़ल्ट मिलेगा यानी कि वो 20 बार वो जब खेलेंगे तब वो नंबर आएगा या सौ बार खेलेंगे तब वो नंबर आएगा या दो बार ही खेलने पर वो नंबर आ जाएगा तो उस इस प्रकार से उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं है उस बारे में नहीं जानते लेकिन चूंकि वो इस बारे में नहीं जानते लेकिन फिर भी उन्हें यह उम्मीद है कि कभी ना कभी उनका नंबर आ सकता है तो वो इस प्रकार के व्यवहार में निरंतर लिप्त रहते हैं या हम यूं कह सकते हैं कि इसीलिए जो गैम्बलिंग की जो हैबिट है वो बड़ी मुश्किल होती है उसको छुड़ाना या अगर एक अगर किसी के अंदर ये आदत लग जाए तो उसको ये समझा पाना कि इससे आपका नुकसान होगा या गैम्बलिंग में बार बार आपके जो नंबर हैं या कार्ड्स हैं वो अच्छे नहीं आएंगे तो ये इसीलिए उनको ये मानना या समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल रेशियो शेड्यूल कार्य करता है क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं हो पाता कि किस प्रकार से जब हम आ, हमारे लिए कितने और प्रयास लगेंगे कि हमें वो रिजल्ट मिल पाए तो इस तरह से वहाँ पर उनके लिए ये थोड़ी सी एक समस्या हो जाती है अगर हम इसको समझने का प्रयास करें आ, एक ग्राफ के मदद से जहाँ पर हम ये देखें कि फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल अगर हम इस कंडीशन को कहें कि ये फिक्स्ड इंटरवल को दर्शाता है और ये वेरिएबल इंटरवल को दर्शाता है यानी कितनी समयावधि बीतने के बाद हमें वो रिस्पॉन्स करने पर जो हम चाहते हैं वो कॉन्सिक्वेंस मिलेगा और इसके बाद जब हम बात करते हैं फिक्स्ड रेशियो यानी कितनी बार प्रयास करने पर इन दोनों में आप ध्यान दीजिए पहला और ये दूसरा इसमें समय इम्पॉर्टेंट है यानी कि जो हम रिस्पॉन्स यानी जो भी हमने बिहेवियर किया है वो उसके दोबारा कितने समय के बाद हम करें तो हमको वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स मिलेगा और यहां पर बात की जाती है जब रेशियो की बात की जाती है तो यहां पर हम बात करते हैं कि कितनी बार यानी कि कितने प्रयास हम जब कर देंगे पूरे तब हमको वो डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा तो पहले में ये पाया गया कि फिक्स इंटरवल में इस प्रकार का व्यवहार उनके अंदर देखने को मिला यहां पर आप देख रहे हैं कि ये व्यवहार कम है लेकिन ये जैसे जैसे उनके अंदर ये टेंडेंसी आती है कि यहां पर हम ये देखें कि ये डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स का स्पॉट है उनको ये पता है कि इस इंटरवल पे इतना समय बीत जाने के बाद हम अगर ये व्यवहार करते हैं तो हमें वो रिज़ल्ट वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलता है तो इस प्रकार से यहाँ पर इन पॉइंट्स पर उनके बिहेवियर में उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है लेकिन बाकी समय पे उसकी गिरावट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उनको ये अंदाज़ा है कि यदि हम प्रयास करेंगे भी तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा उसी तरह से वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल की जब बात की जाए तो यहां पर उनको ये पता नहीं है कि कब कितनी समय अवधि बीतने के बाद उनको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा तो इस वजह से वो निरंतरता उनके व्यवहार में पाई जाती है यानी कि उनकी जो प्रयास करने की जो आप देख रहे हैं जो इंटेंसिटी है वो लगातार बनी हुई है इस तरह से फिक्स्ड रेशियो में चूंकि उन्हें पता है कि कुछ प्रयास करने के बाद उन्हें रिजल्ट मिलेगा यानी अगर हम यहाँ पे जस्ट उदाहरण समझने के लिए रखें तो दस प्रयास करने के बाद उन्हें यह पता है कि जब वो दस पूरा कर देंगे तो उनको वो रिजल्ट मिल जाएगा लेकिन जब उन्होंने दस पूरा कर दिया तो उन्हें पता है कि जो अगला रिजल्ट है या अगला रिवॉर्ड है वो अब अगले दस पूरे करने पर आएगा तो इस प्रकार से यहां हल्का सा उनके व्यवहार में एक गिरावट देखी जाती है या हम यूं कह दें कि वो गिरावट ना हो करके एक प्रकार का ब्रेक है यानी वो थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर दोबारा शुरू करते हैं और फिर इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं यहां पर आप जो देख रहे हैं ये जो स्पॉट्स इस हैं इसको हम कह सकते हैं कि यहां पर वो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वो ये कोशिश करते हैं वहां समझने की या यूं कह लें कि वो अपने जो प्रयास लगातार वो कर रहे हैं वहां वो थोड़ा सा उससे आराम करते हैं और फिर दोबारा से शुरू हो जाते हैं लेकिन जब वेरिएबल रेशियो की हम बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इन आप देखेंगे इन चारों में सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी है उस व्यवहार को करने की वो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में ही है क्योंकि यहां पर व्यक्ति को यह नहीं पता कि कितने प्रयास करने के बाद उसको सफलता मिलेगी या रिवॉर्ड मिलेगा तो इसलिए वो उस व्यवहार को कंटिन्यूसली और ज़्यादा तीव्रता के साथ करता रहता है और इसलिए इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उनका एक्सटेंक्शन यानी कि उनका विलोपन बड़ा कठिन होता है और कभी कभी इसमें विलोपन नहीं भी होता है और यही रीज़न है यही कारण है कि जो हमने अभी बात की थी गैम्बलिंग की तो गैम्बलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वेरिएबल रेशियो शेड्यूल रहता है और जिसकी वजह से वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होने की वजह से वो व्यवहार काफ़ी उसमें निरंतरता बनी रहती है लोगों के तो इस प्रकार से हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के कुछ मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनके द्वारा हम ये कोशिश करते हैं समझने की कि, कि किस प्रकार जो हमारे व्यवहार हैं उसमें हमारी जो लर्निंग है वो किस प्रकार से होती है इसके बाद कुछ और Uh, महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग uh, से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसमें हम बात करते हैं कॉन्करेंट शेड्यूल्स ऑफ री और मैचिंग लॉ की यहाँ पर इसको समझने के लिए आप ये समझें एक उदाहरण के साथ कि एक स्टूडेंट है उसके पास दो विकल्प हैं यानी कि कल उसकी परीक्षा भी है एक टेस्ट है जो क्लास में लिया जाना है और उसके लिए उसको पढ़ना है मेहनत करनी है ताकि उसके अच्छे नंबर आए साथ ही साथ उसके पास एक और विकल्प है कि वो शाम को उसके दोस्त ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं और वो वहाँ पर जाकर उनके साथ क्रिकेट खेले और इंजॉय करे अब उस बच्चे के सामने उसी समय में एक ही समय में दो प्रकार के रिनफोर्सर हैं यानी कि एक ऐसा रिनफोर्सर जो कि उसको पढ़ाई करना है ताकि उसके अच्छे नंबर आए और दूसरा रिनफोर्सर कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाए और वहाँ पर जाकर वो इंजॉय करे और वहाँ पर उसको अच्छा लगेगा तो इस प्रकार से अब बच्चे के बच्चे को इसमें से चुनना है यानी एक ही समय में एक कंकरेंट समय में उसको दो तरह के रिनफोर्सर्स मौजूद हैं अब वो किस व्यवहार को करेगा ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि वो बच्चे की अपनी पसंद क्या है उसकी अपनी परिस्थितियाँ क्या हैं हालाँकि इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की परिस्थितियाँ जो हैं वो भी हमारी जो लर्निंग की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं साथ ही साथ इसमें मैचिंग लॉ भी देखा गया है क्योंकि मैचिंग लॉ का अर्थ ये है कि, कि किस प्रकार से बच्चा इन दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए प्रयास करता है हो सकता है बच्चा ये कोशिश करे कि मैं आज खेलने भी जाऊंगा लेकिन साथ ही साथ मैं अभी अभी आकर के मैं पढ़ लेता हूं और मैं पढ़ाई करने के बाद पूर्ण करने के बाद खेलने जाऊंगा हो सकता है वो दोनों व्यवहार के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें कि थोड़ी देर खेल भी लूँ और थोड़ी देर पढ़ भी लूँ तो इस तरह से वो मैचिंग करते हैं अपने रिस्पॉन्स में ताकि जो दोनों रिनफोर्सर हैं वो उन दोनों को ही उन दोनों को अपने पास लेने की या उनको प्राप्त करने की वो प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से जो मैचिंग लॉ है उसके तहत हम प्रयास ये करते हैं कि जो रेनफोर्सर्स मौजूद हैं हमारे पास एक समय में दो उनमें से हम प्रयास करते हैं कि किस तरह हम दोनों को हासिल कर सकते हैं तो इस तरह का जो प्रयास होता है वो इसको हम मैचिंग लॉ कहते हैं तो इस तरह से भी हमारा जो बिहेवियर है वो प्रभावित होता है इसके बाद हम बात करते हैं स्टूमलस कंट्रोल की हमारे व्यवहार के स्टूमलस किस प्रकार से हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है तो यहाँ पर एक स्टडी की गई जिसमें पहले हम डिस्क्रिमिनेटिव स्टूमलस की बात करेंगे डिस्क्रिमिनेटिव स्टूमलस में एक स्टडी की गई जहाँ पर यह देखा गया कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहाँ पर एक कबूतर को लिया गया और उस कबूतर को जब एक लाइट जलती थी यानी कि उस लाइट एक लाइट में जब ऑरेंज कलर आता था केवल तभी जब वो उस पर चोंच मारता था यानी वो पैकिंग करता था केवल उसी समय ऐसा करने पर उसको रिवॉर्ड मिलता था यानी भोजन उसको उपलब्ध कराया जाता था लेकिन यदि उसमें किसी और प्रकार की लाइट जले और उसके बाद वो अगर उस पर जाकर चोंच मारे तो उसको किसी प्रकार का कोई रिवॉर्ड या कोई भोजन नहीं उपलब्ध कराया जाता था तो ऐसे में कुछ समय होने के बाद कुछ समय बीतने के बाद उस पिजन ने ये सीख लिया कि, कि किस प्रकार से केवल ऑरेंज लाइट होने पर ही वो चोंच मारता था जाकर और बाकी लाइट्स जलने पर वहाँ पर वो किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था तो ये दर्शाता है कि, कि किस प्रकार से वो पिजन जो था वो स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा था यानी कि जो ऑरेंज लाइट जल रही है उससे वो बाकी लाइट्स को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है और केवल ऑरेंज लाइट जलने पर ही वो जाता है चोंच वहाँ पर मारता है पैकिंग करता है और वो उसके बाद वो अपने उस व्यवहार के नाते उसको रिवॉर्ड मिलता है यानी भोजन मिलता है तो इस तरह से वो अपने इस व्यवहार से यानी डिस्क्रिमिनेटिव जो उसकी ये जो क्षमता है जिसमें वो अलग अलग स्टुम्लस के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है और उसके बाद वो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका जो व्यवहार है वो प्रभावित हो रहा है इसके बाद स्टूमलस कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो स्टूमलस न सिर्फ हमारे व्यवहार न सिर्फ हम स्टूमलस में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं बल्कि स्टूबलस कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है इसका एक बहुत साधारण उदाहरण है जिससे आप इसको समझ सकते हैं जैसे अगर आप कभी जाएंगे और कोई दरवाज़ा आपके सामने है और उस दरवाजे में यदि हैंडल है तो हैंडल होने के नाते हम ये मानते हैं कि दरवाजे को आ, हम या तो उसको पुश करें या उसको पुल करें यानी या तो उसको धक्का दे के खोलें या उसको खींच के खोलें और हैंडल होने के नाते हमारा जो व्यवहार है वो हम दरवाजे को खींचने या उसको धक्का देने के नाते हम वही करेंगे क्योंकि हमें ये पता है कि हैंडल होना ये दर्शाता है कि इस दरवाजे दरवाजे को या तो खींचा जाना है या इसको धक्का दिया जाना है इसी प्रकार से यदि उस दरवाजे में हैंडल ना हो करके अगर एक प्रकार का नॉब हो जो कि आजकल कई दरवाज़ों में आप ये देखेंगे तो वो नॉब यदि रहेगा तो आप दरवाजा खोलने से पहले आप ज़रूर उस नॉब को घुमाएंगे क्योंकि आपको ये पता है कि ये नॉब यहाँ पर है इसका मतलब इसको घुमाना है तभी दरवाजा खुलेगा तो यानी हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जो स्टुम्बलस है वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है उसकी मौजूदगी से हमारा बिहेवियर गवर्न हो रहा है यानी कि किस प्रकार से एक दरवाजे में यदि हैंडल है तो हम उसको उसके हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं यदि उसमें नॉब है तो हम दूसरे हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं यानी उस नॉब को घुमा रहे हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टूम्बलस किस प्रकार से हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है इसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन में हम बात करेंगे संज्ञानात्मक परिपेक्ष यानी कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव किस तरह से हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से आ, में हम क्रिया संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य से इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं तो इसमें एक पहला जो उदाहरण है जो कह सकते हैं कि हम ये मान सकें कि ऑपरेशनल कंडीशनिंग यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किस प्रकार से उसमें कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव भी मौजूद होता है इसके लिए एक एक स्टडी की गई जो जिसमें लर्नड हेल्पलेसनेस यानी कि एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर हम असहाय होना सीख लेते हैं हम ये मान लेते हैं कि हमें अब किसी प्रकार से हमारा कुछ भी किया हुआ प्रयास उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा यानी कि हम किसी भी प्रकार से कुछ भी कर लें हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता या हमारे हमारे कोई भी प्रयास हमेशा विफल ही होंगे इस प्रकार की जो लर्निंग होती है वो काफ़ी समय जब कई बार प्रयास करने के बाद बार बार, बार विपरीत यदि रिजल्ट आता रहे या बार बार हम विफल होते रहें तो इस प्रकार की लर्निंग हो जाती है कभी कभी इसके लिए जो एक स्टडी की गई उसमें यह पाया गया कि किस प्रकार से रैट्स में आ, इस चीज़ को दर्शाया गया एक उदाहरण एक इसकी स्टडी की गई और उस स्टडी में यह देखा गया कि जब चूहों को एक बॉक्स में बंद किया गया और उस बॉक्स के बगल में एक और बॉक्स था यानी बॉक्स ए और बॉक्स बी और ये दोनों बॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं और वो चूहा जब अपनी मर्ज़ी से इन दोनों बॉक्स में आ जा सकता है और जब शुरू में वो चूहा ए बॉक्स में है तो वहाँ पर उसको शॉक दिया गया और शॉक देने के बाद वो और वो शॉक यूँ कह लीजिए कि वो शॉक पूरी तरह से अनकंडीशनल था यानी कि वो शॉक उसको दिया ही जाएगा और वो कहीं भी रहे यानी कि वो ए बॉक्स में रहे या बी बॉक्स में उसके बाद लेकिन उसको 10 सेकंड तक वो शॉक दिया जा रहा था और इस वजह से वो चूहा शुरुआत में तो बहुत प्रयास करता था कि वो ए बॉक्स से बी बॉक्स की तरफ चला जाए ताकि वो शॉक से अपने आप को बचा सके इस उम्मीद में वो इस बॉक्स से उस बॉक्स में आता जाता था लेकिन एक समय के बाद उसके अंदर ये लर्निंग आ गई कि वो किसी भी बॉक्स में रहे शौक तो उसे लगेगा ही यानी कि उस वो किस बॉक्स में मौजूद है इस चीज़ से शौक लगने की जो प्रक्रिया है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो समय के साथ उसने ये सीख लिया कि वो कोई भी प्रयास करे उसके प्रयास करने से उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है और वो शौक से नहीं बच सकता इसी तरह की एक दूसरी स्टडी की गई जिसमें चूहों को इस तरह का कोई कंडीशन नहीं दिया गया और वहाँ पर यह देखा गया कि जब इन चूहों को दोबारा इस कंडीशन में रखा गया जब उनको ए बॉक्स में और बी बॉक्स में यहां पर यदि वो ए बॉक्स में हैं शॉक के समय तो यदि वो बी बॉक्स में चले जाते हैं तो उनको शॉक नहीं लगेगा यानी कि अब ये जो बी बॉक्स है ये सेफ्टी है इसमें मगर इसके बावजूद चूँकि यहां पर सेफ्टी है लेकिन उन्होंने पहले सीखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास उनके लिए लाभकारी नहीं है किसी भी तरह से उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है तो इस वजह से उन्होंने प्रयास ही नहीं किया यानी कि वो जिस बॉक्स में थे वो वहीं पर बने रहे क्योंकि उनको ये पता था कि उनके किसी भी प्रयास का कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस कारण से यूँ हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया से ये पता चलता है कि उन्होंने असहाय होना सीख लिया यानी कि लर्नड हेल्पलेसनेस उनके अंदर आ गई और इसके बाद उन्होंने प्रयास करना ही छोड़ दिया तो ये एक प्रकार का दर्शाता है कि किस तरह से जो हमारे जो लर्निंग का जो की जो प्रक्रिया है ऑपरेशनल कंडीशनिंग में उसमें किस तरह से जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है यानी कि जो हमारी संज्ञानात्मक जो दृष्टिकोण है जो परिपेक्ष्य है अगर उस वो हमारे अंदर एक डेवलपमेंट हो जाए कि हमें ये लगने लगे या हमें इस प्रकार की हमारे अंदर ये हमारे एनालिसिस में हमारे वेल्युएशन में अगर ये आ जाए कि हमें कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो कई बार उसके बाद जो हमारा जो रिवॉर्ड के नाते हम ये मानते हैं कि रिवॉर्ड अगर मिलेगा तो वो व्यवहार दोबारा प्रदर्शित होगा तो ये इस प्रकार की जो जो सीक्वेंस है वो हमारे कॉग्निशन से यानी कि जो हमारी जो संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं हैं उससे वो प्रभावित होता है इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रास्ट इफेक्ट की कंट्रास्ट इफेक्ट में ये देखा गया कि इसमें दो प्रकार के एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं पॉजिटिव कंट्रास्ट इफेक्ट और नेगेटिव कंट्रास्ट इफेक्ट इसमें यह देखा गया कि शुरुआत में जितना ज़्यादा अगर मान लीजिए किसी को थोड़ा ही रिवॉर्ड मिल रहा है यानी जो रिवॉर्ड का उसका जो अमाउंट है वो थोड़ा है अगर हम उसको सपोज एक नंबर देने के लिए यहाँ पर सिर्फ वन रख लें और बाद में यदि उसको ये रिवॉर्ड वही व्यवहार प्रदर्शित करने पर उसको डबल कर दिया जाए तो ये देखा गया कि उनकी जो उस कार्य को करने की जो प्रक्रिया है या जो गति है वो बढ़ जाती है यानी कि जो उनकी एक्सपेक्टेंसी है रिवॉर्ड की वो बढ़ जाने के नाते उनके उसी व्यवहार को प्रदर्शित करने की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है ठीक उसी प्रकार से नेगेटिव कंट्रास्ट इफ़ेक्ट में यहाँ पर सपोज उनको शुरू में ही ज़्यादा लेवल का रिवॉर्ड मिल रहा है लेकिन बाद में अगर इसको कम कर दिया जाए तो ये देखा गया कि इस इन दोनों तरह की कंडीशंस में जो नॉर्मली जिस जिनको ना तो शुरू में ज़्यादा दिया गया ना बाद में कम दिया गया बल्कि उनको निरंतर उतना ही बार बार रिवॉर्ड मिलता रहा तो इस तरह के जो कंडीशंस में जिन्होंने जो आ, वहाँ पर बिहेवियर शो किया वो आप ये मान सकते हैं कि उसमें ये पाया गया कि जो जिनको पॉजिटिव कंट्रास्ट इफ़ेक्ट या नेगेटिव कंट्रास्ट इफ़ेक्ट दिया गया उनके व्यवहार में या तो एक अचानक से उनकी उनमें तेज़ी देखी गई या उसमें एक गिरावट पाई गई लेकिन जिनके आ, जिनको रिवॉर्ड लेवल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं था शुरू से लेकर अंत तक उनके व्यवहार में एक प्रकार की निरंतरता थी यानी कि इससे ये प्रदर्शित होता है कि जब हम कोई ऐसा व्यवहार जहाँ पर कि हमको उम्मीद से ज़्यादा मिले या उम्मीद से कम मिले तो उसमें भी उसकी गिरावट आ जाती है यानी कि केवल हमारे रिवॉर्ड के लेवल से ही वो निर्धारित नहीं होता बल्कि हम उसके बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कितना मिलना चाहिए या कितना मिल रहा था उससे भी वो प्रभावित होता है तो ये भी इसको कनेक्ट करता है यानी कि इसके संबंध को दर्शाता है कॉग्निशन से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से इसके बाद हम बात करते हैं एक अंतिम कॉग्निटिव प्रक्रिया की जो कि टोलमैन ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने कुछ चूहों को लिया था और इस स्टडी में उन्होंने एक प्रकार से उन चूहों को आ, एक तीन कंडीशंस उन्होंने ली एक कंडीशन इसको हम यहाँ पर कंडीशन ए बी और सी के नाम से प्रदर्शित करेंगे और कंडीशन ए में चूहों को एक प्रकार की एक मेज़ यानी कि एक ऐसा भूल भुलैया जैसा उनको दिया गया जिसमें भूल भुलैया के अंत तक उनको पहुँचना था और वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और वो उसको सीख रहे हैं हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे और दूसरी कंडीशन थी जहाँ पर कि वो इस भूल भुलैया में ठीक उसी प्रकार से जैसे वो कंडीशन ए में थे लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि उनको इस भूल भुलैया के अंत में या यूँ कह लें कि इस मेज़ के अंत में उनको भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था यहाँ पर यहाँ पर फूड उनके लिए प्रेजेंट था और एक ऐसी तीसरी कंडीशन जो पूर्ण रूप से पहले ही कंडीशन की बिल्कुल तरह थी जहाँ पर उस भूल भुलैया में वो कुछ भी करें कुछ भी एक्सप्लोर करें उनको किसी प्रकार का कोई रिवॉर्ड या फूड वहाँ पर अवेलेबल नहीं था लेकिन जब ये देखा गया कि कंडीशन ए में जब उन्होंने यहाँ पर पहुँचने कई बार उन्होंने यहाँ पर जब पहुँचने का प्रयास किया तो उसके बाद उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला लेकिन ऐसे दस ट्रायल के बाद यानी कि इन तीनों कंडीशंस में उनके दस ट्रायल करा लिए गए उनको ये देखा गया कि जो बी कंडीशन में जो रेट्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इस पोजीशन तक पहुंचना उन्होंने सीखा और इसका कारण था क्योंकि अंत में उनके पास वहां पर फूड अवेलेबल था रिवॉर्ड अवेलेबल था तो इसलिए वो बहुत कम गलतियों में ही और बहुत कम प्रयास में ही वहां तक पहुंच गए तो ये तो कंडीशन बी को दर्शाता है लेकिन इन दस प्रयासों के बाद ग्यारहवें प्रयास में कंडीशन ए में भी यहां पर फूड उनको दिया गया और ये देखा गया कि जब उनको यहाँ पर फूड दिया गया तो उनको जब फिर दोबारा एलेवेंथ कंडीशन में उनको फूड दिया गया तो जब ट्वेल्थ कंडीशन में उनको दोबारा यहाँ पर इस मेज़ में रखा गया तो ये पाया गया कि उन्होंने बिल्कुल इनके बराबर यानी कि जो कंडीशन बी में जो रेट्स थे और वो बिल्कुल बिना गलतियाँ किए उस कंडीशन को परिपूर्ण कर रहे थे तो इस प्रकार से वो कम गलतियां करते हुए उस मेज़ को सीख गए यानी कि उस भूल भलिया को उसके अंत तक पहुंचना वो सीख गए तो यानी कि जब रिवॉर्ड उनको नहीं भी मिल रहा था तब भी वो कुछ ना कुछ सीख रहे थे और जैसे ही उन्होंने अपने वहाँ पर एक रिवॉर्ड उनको मिला तो उनकी जो पुरानी सीखी हुई चीज़ें थी वो उनके काम आ गईं और टोलमैन ने इसको कॉग्निटिव मैप की संज्ञा दी यानी कि हमारे अंदर कुछ मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बनते रहते हैं बावजूद इसके कि हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और बाद में जब हमें रिवॉर्ड मिल जाता है तो हम उससे उसको जोड़ देते हैं और उससे एसोसिएट करने के बाद जो हमारे कॉग्निटिव मैप पहले से उपलब्ध थे वो कहीं ना कहीं हमारी इस लर्निंग की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे उदाहरण और इस कुछ ऐसे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे हम ये देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है उसमें किस प्रकार से कॉग्निशन यानी कि हमारे कॉग्निटिव जो प्रोसेसेस हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है तो इस प्रकार से हमने अभी तक ये देखा कि क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किस प्रकार से ये दोनों एक महत्वपूर्ण लर्निंग के प्रोसेसेस हैं और इसके मूलभूत सिद्धांत उनकी हमने चर्चा की अभी तक अपने सत्रों में और हमारा एक और जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उसकी चर्चा हम अपने अगले सत्र में करेंगे चूंकि यहाँ समय समय का अभाव है और इस सत्र में हम उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो हम अपने अगले सत्र में जो कि मेमोरी का जो सत्र होगा उसमें हम शुरुआत में कुछ समय ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में चर्चा करेंगे ताकि हम उसके कॉन्सेप्ट को भी एक एक उसकी समझ बना सकें तो आज के इस सत्र में आ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने आ, कुछ सीखा और आज हमने अपना लर्निंग का जो पर्सपेक्टिव है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का खासकर उसको आज हमने पूर्ण किया तो आज के इस सत्र से आपको आ, कुछ लाभ हुआ होगा ये मैं उम्मीद करता हूँ और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद